ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन यानी एबीयू के बारे में। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है। यह एक गैर लाभकारी, गैर सरकारी और गैर राजनीतिक संगठन है। एबीयू की स्थापना 1964 में हुई थी। इसके सदस्य 76 देशों से हैं और कुल 272 सदस्य हैं। एबीयू का सचिवालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। एबीयू की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में 17 सदस्य होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के सदस्य 3 साल के लिए चुने जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के वर्तमान सदस्यों में भारत की तरफ से दूरदर्शन शामिल है। एबीयू के कार्यों की बात करें तो यह वर्ल्ड ब्रॉडकास्टर्स यूनियन का सदस्य है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सदस्य देशों के नेटवर्क के माध्यम से 3 बिलियन लोगों तक इसकी पहुंच है। दूसरे क्षेत्रीय ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के साथ मिलकर साझा मुद्दों पर कार्य करना, जैसे ब्रॉडकास्टर्स के लिए फ्रीक्वेंसी आरक्षित करना, ब्रॉडकास्टिंग ट्रीटी को अंतिम रूप देना इत्यादि महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसके अलावा कई तरह की सेवाओं का संचालन, जैसे डेली एशिया विजन टीवी न्यूज एक्सचेंज, विधायी और प्रबंधन से संबंधित सलाहकारी सेवाएं इत्यादि एबीयू के प्रमुख कार्यों में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रीक्वेंसी की योजना व सामंजस्य बैठाना भी एबीयू का प्रमुख कार्य है। अन्य तथ्यों की बात करें तो यह संस्था वार्षिक तौर पर एबीयू पुरस्कार देता है। एबीयू पुरस्कार से एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे बेहतर रेडियो, टेलीविजन और नए मीडिया कंटेंट को सम्मानित किया जाता है। यह टीवी सॉन्ग और रेडियो सॉन्ग फेस्टिवल का भी आयोजन करता है। हाल ही में एबीयू की बैठक नेपाल के काठमांडू में हुई थी।